तो अपने बीच में आज में सीताराम जी शर्मा उपस्थित हैं और स्वाध्याय के नियमित विद्यार्थी, मैं कहूँगा कि जब स्वाध्याय की स्थापना हुई तो होते ना वो एक गुरु के आधार स्तंभ, तो उनमें से एक पिलर जो है ना वो सीताराम जी शर्मा है। ये वो पिलर हैं जो कि दिखते नहीं, फेस मेरा दिखता है पर पीछे वाले पिलर की पहली पंक्ति में जो नाम आता है वो सीताराम जी का आता है। मेरा तो कभी आपने देखा होगा, कभी भी ऑनलाइन में जब भी अपने मैसेज डालते हैं किससे संपर्क करें, वो सीताराम जी से संपर्क करें। तो अब भी ध्यान रखें, जो आपके फ़ोन कॉल उठाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, ये सीताराम जी, वो सीताराम जी हैं। तो ये कहूँगा कि कुछ संकट मोचन हनुमान होते हैं ना, तो वो ये मान के चलें कि स्वाध्याय के हनुमान अगर कोई है ना तो वो सीताराम जी हैं। कभी कोई समस्या आए तो तत्काल मतलब हर समय फ़ोन, खुद का फ़ोन, एकेडमी का जो फ़ोन है वो उठाए रखते हैं, कोई भी समस्या है तो उसे बड़ी विनम्रता के साथ में हल करना। और अभी लेवल 2 जो है SST विशेष टीचर के रूप में जो है ना, अपने मैनेजमेंट में CWSN बच्चों की बात कर रहे थे, उनके लिए जो अध्यापक होते हैं उनमें सीताराम जी हैं। तो एक साथ में 2 सेवाएँ हासिल कर लेना कि आप हिंदी विषय से L2 में भी चयनित हुए, उसके बाद में आप SST से भी चयनित हुए, फिर आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सर हिंदी से फिर आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, SST से ही क्यों ज्वाइन किया। तो इसका उत्तर मैं खुद दे दूँ कि उसके बाद में जब चॉइस होती है तो ये निकट में कौन सी पोस्टिंग है और सुविधाजनक कौन सी है वो ज्वाइन की जाती है। तो इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि रैंक का महत्व उस दिन पता चलेगा कि जब काउंसलिंग में आपके साथ ही आपके सामने खड़े होंगे और ऐसा लगता है कि सीटें तो निकल रही है, सीटें निकल रही है और आप अंतिम में, क्योंकि भाई साहब की बड़ी शानदार रैंक थी और मेरी तो 370 या 75 के आसपास थी और भाई साहब की 108 है। तो ये रैंक हमेशा काम में आएगी कि पोस्टिंग में भी निकट में थे, घर के पास में थे, उसके बाद में VP में सेम जगह प्रिंसिपल पे आए तो फिर मेरे से पहले इनको चॉइस मिली। तो ये चीज़ें तब पता चलती है कि रैंक का कितना महत्व है। अब चाहे आगे DO प्रमोशन रहेंगे तो उसमें सबसे पहले बैच में इनको लिया जाएगा, हम फिर ताकते रहेंगे कि अब हमारा नंबर आए। तो रैंक का महत्व तब पता चलता है कि रैंक कितनी है ना उपयोगी चीज़ें होती है। तो मैं बुलाना चाहूँगा सीताराम जी को कि आप मंच पर आएँ और जो भी एक विद्यार्थी वाले अनुभव जो है ना क्योंकि यहाँ चीज़ें समझा विद्यार्थी वाली चीज़ें कि हाँ ये विद्यार्थी जीवन में रहते हुए हम इन चीज़ों को हमने झेला है और आप लोग वो ना झेले कि ये गलतियाँ आप ना दोहराएं, तो इनसे बड़ा फ़ायदा रहता है हमें। तो आप विशेषतः रेट पे भी बताएं, विशेष BEd करने के बहुत से जिज्ञासु है, बच्चे से सोच रहे हैं कि हम विशेष BEd करें या ना करें, विशेष BEd कर रखी है तो उस दौरान जो है, विशेष BEd अगर कर रखी है तो उस दौरान जो है हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे रखें। प्रश्नावली आपके सामने है, इसके अलावा आप स्वतंत्र हैं, अगर आप अपने हिसाब से कोई प्रश्नावली अगर कुछ बताना चाहे तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। सारे स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड जो भी हैं सभी को नमस्कार, सभी स्टूडेंट नमस्कार। ज़्यादा बोलना मेरे को आता नहीं स्टेज पे, पहला एक्सपीरियंस है। तो मैं बताना चाहूँगा सर के पास मैं 2018 में आया था, पहली बार आया सर, इतिहास मिले इसमें सर कौन है, तो हम मिले सर से कमी, तो सर ने शेड्यूल में वही आर्य पब्लिकेशन विश्व इतिहास के लिए अरविंद भास्कर और मैनेजमेंट के लिए SS यादव सर की किताब है, जो अभी लगा रही शेड्यूल में वही किताबें थी हमारे। तो आर्य उस टाइम आर्य के 5 पेज देते थे सर रोज़ के, अभी तो 15-20 पेज हो गए, मैंने बढ़ा दिए पेज, मैं इतने से कुछ नहीं होगा। तो 5 पेज पढ़ते फिर वापस दूसरे दिन जाते टेस्ट देते, नंबर आते नहीं सर के, बोल सर याद नहीं हो रहा, सर ने बोला आप बार बार पढ़ते रहो। तो जब आर्य 5 से 6 बार आर्य का रिविजन हुआ तब जाके से लगा कि भाई अब मेरे को कुछ आ रहा है। तो आप ये ना सोचें पहले आए पहले दिन पेपर दिया मेरे नंबर 50 में से 10 आए हैं, 15 आए हैं, मेरे 13 नंबर आए थे और मैंने रास्ता यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में MA कर रखी है, तो मेरे में वो था कुमार कि भाई मैं आर्यू से पास आउट हूँ। तो हाँ या तो ढेर हो गया यहाँ पर सारा ही, फिर नेट दिया 7 वालों नेट क्लियर हो रहा, मेरा नेट नहीं हो रहा, 5th अटैम्प्ट में नेट क्लियर हुआ मेरा, हर बार पॉइंटों से रहना, उस टाइम नंबर से 44 वो 3 पेपर हुआ करते थे, तो कभी 44 नंबर आते कभी 46 आते, मेरे 48 चली जाती, मेरे 48 आते तो मेरे 50 चली जाती। फिर सर के पास जाते सर हो नहीं रहा, सर का देते रहो, फिर हुआ तब नेट भी हो गया लास्ट टाइम, सेट भी हो गया, फिर JRF भी हो गया। तो सर कहते हैं कि आर्य का, मैंने आर्य के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, आर्य का जो अभी तो एडिशन बड़ा हो गया, उस टाइम आर्य में 137 पेज प्राचीन में थे, 131 मध्यकाल में थे और 128 आधुनिक काल में थे, मुझे याद है, और हम उसे 1 हफ्ते में पूरी पढ़ देते थे।
तो कहीं कमी मेरी ये भी रही कि जल्दी पढ़ता था मैं, बोलता भी जल्दी हूँ, पढ़ता भी जल्दी था। अब तो फिर भी धीरे हो गया बोलना, क्लास में धीरे बोलना पड़ता है, बच्चे समझते नहीं है। तो आप आर्य को लेकर चलें, आपको लगे कि जैसे आर्य में कई टॉपिक छोटे हैं, हर्षवर्धन काल है जैसे, तो हर्षवर्धन अपना आर्य में से पढ़ें, फिर रेफरेंस बुक लें अपन, रेफरेंस बुक में अपन लगे भाई ये आर्य में चीज़ नहीं है तो वो वहीं नोट कर लें उसको, तो आपका मैटर सेट हो जाएगा। अब जैसे अपने मध्यकाल में लें, आधुनिक काल में, आधुनिक काल में आर्य में मैटर कम दे रखा है, तो उसमें जो टॉपिक कम लग रहा है अपने, ये टॉपिक कम है, तो वो रेफरेंस बुक से उसमें ऐड कर लें वहीं पे। और आर्य की सारणी की मैंने क्या किया था, आर्य की सारणी उसकी पहले पीडीएफ बनाई पूरी, और फिर उसके बाद आर्य का मैंने प्रिंटआउट निकाली सारणी का। सारणी में हर हफ्ते रिविजन करता था और क्वेश्चन सारणी में से ही बनते हैं, उसके बाद ही मेरी नेट क्लियर हुई थी, पहले नेट नहीं हुई क्लियर। पहले अपन लगे भाई एक पेज से लेके 18 पेज ने दे दिए, पढ़ लिए, आगे टेस्ट दे दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप स्ट्रेटेजी से पढ़ें, आर्य को पढ़ें, विश्व इतिहास के लिए ऑब्जेक्टिव साथ साथ देखते रहें। सर कहते हैं स्कोरिंग का, मेरे जो लास्ट भर्ती हुई थी उसमें मैंने दिया था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री शायद ही मेरे एक दो क्वेश्चन मुश्किल से गलत हुए थे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रायोरिटी पर रखें। प्राचीन सबसे हार्ड है, तो प्राचीन के लिए आप रेफरेंस बुक पढ़ने जरूरत नहीं, आर्य में सफिशियंट दे रखा है। और जहाँ फंसते हो मुझे पता है, पूरा पाषाण काल वाला है वो कभी समझ आया ही नहीं मेरे को, तो वो कौन सा पूरा पाषाण है, कौन सा वो मध्य पूरा पाषाण काल है, कौन उत्तर पूरा पाषाण काल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगे भी मुझे आ रही। अब इसमें मैं रीट पे आ जाता हूँ, स्कूल लेक्चर में मेरा फाइनल हुआ नहीं था इस बार, मैंने दिया था, और अभी मैं एपी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी थर्ड पेपर दिया हुआ मेरा, आगे उसमें होगा तब मैं आपको उसके बारे में और बताऊँगा। अब सर कह रहे हैं रीट की भर्ती कब तक आने की संभावना है, तो भर्ती कभी आए, भर्ती से हमने कुछ नहीं करना। पहले जिनकी रीट क्लियर है वो तो मेंस की तैयारी करें, और जिनकी रीट क्लियर नहीं है वो रीट पे फोकस करें। भर्ती आ जाएगी, भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट पता ही नहीं चला कब भर्ती आई, फर्स्ट गेट की आ गई, फिर सेकंड गेट की आ गई। उसके अलावा रीट में पहले जीके खंड तैयार करें तो कैसे रहेगा। तो अब जो सोच रहे हैं कि मैं सेकंड गेट की भी कर लूँ और रीट की भी कर लूँ, तो जो दोनों की सोच रहे हैं ना, वो जब तक भर्ती नहीं आए तब तक जीके वाले खंड को तैयार करें। फर्स्ट पेपर भी तैयार हो जाएगा आपका, और रीट की मुख्य परीक्षा का जीके वाला खंड भी तैयार हो जाएगा। जीके खंड में अपने कोई भी सब्जेक्ट हो अपना, उसमें 180 नंबर का अपने जीके खंड रहता है, और 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे। इस बार तो बाई चांस हिंदी बहुत ईजी आ गई थी, जो अपने रीट में पढ़ते हैं हिंदी बिल्कुल बेसिक हिंदी, वो ही अपने सब्जेक्ट में आ गई थी हिंदी। तो आप जीके वाले खंड को तैयार करते रहें, फिर जैसे एग्जाम पहले सेकंड गेट का हो तो आप सेकंड गेट को देखें, और पहले अपने रीट का हो तो आप रीट देखें, और जब लेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो उन दोनों को ना देखें। रीट आप मेरे साथ में कुछ थे तो मेरा थोड़ा ध्यान रीट पे था, मैं एक बार नौकरी लग जाए, 7-8 साल हो गए, घर वाले कहने लगे वे कब लगेगा तू, पढ़ तो बहुत रहा है, नेट सेट हो रही है, जहरफ हो रही, उससे कुछ नहीं होगा, नौकरी लगना जरूरी है। तो जो लेक्चर की तैयारी कर मेरे साथ में रामपुरी जी थे, वो उन्होंने रीट की तैयारी की नहीं, उन्होंने रीट का पेपर ही नहीं दिया, वो लेक्चर की तैयारी कर तो उनका लेक्चर में हो गया, और मैं थोड़ा सा रीट में बीच में रीट की महीने भर पढ़ लेते हैं, उस चक्कर में मेरा रीट तो हो गया लेकिन लेक्चर नहीं हुआ मेरा। तो आप जो कर रहे हैं, अगर वो जो थर्ड गेट की तैयारी कर रहा है वो थर्ड और सेकंड को मैनेज कर लेगा, लेकिन जो फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहा है वो थर्ड गेट और सेकंड को मैनेज नहीं कर सकता, वो करे भी ना। एक टारगेट लेके चलें भाई, मुझे फर्स्ट गेट करना है फर्स्ट गेट करें, और अगर थर्ड गेट और सेकंड करना है तो उनमें क्या सिमिलरिटी रहती है, अपने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, वो अपने फर्स्ट गेट थर्ड गेट में भी वही है और सेकंड गेट में भी वही है, तो उसको अपन मैनेज कर लेंगे। तो अपने जीके वाले खंड को तैयार करते रहें जब तक वैकेंसी ना आए, और रीट की तैयारी करें, ये बताई दिया मैंने आपको, पहले रीट पात्रता की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की। तो पात्रता और मुख्य परीक्षा में फ़र्क इतना है, अपने भाषा का फ़र्क है भाई, अपने भाषा कौन सी लेनी, इंग्लिश लेनी है, संस्कृत लेनी है, तो वो आप भाषा की तैयारी कर लें, बाकी तो खंड सेम ही है, बस जीके वाला पोर्शन है जो रीट मुख्य परीक्षा में आना है वही अपने प्री में आना है। तो मुख्य परीक्षा का और पात्रता का कोई ऐसा नहीं है भाई, आप पहले अपने रीट को देखें, पात्रता को लिए बैठे रहेंगे एग्जाम तक, फिर पात्रता के बाद हमें टाइम मिलेगा ही नहीं, फिर तो अपने 3 महीने मिलने मुश्किल से, 3 मिलेंगे भी नहीं। तो आप रीट पात्रता के साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू रखें। तो और कोई सवाल हो रीट के बारे में तो पूछें आप। रीट को लेके किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, रीट के विद्यार्थी मान लो नए वाले भी आए होंगे, कोई एल फर्स्ट वाले या एल टू वाले, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखी और वो सोच रहे हो कि हमें इसमें से कौन सी करें, ऐसे भी कोई विद्यार्थी हो तो वो आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। ऐसा एक भी नहीं है जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से कर रखी हो बीएड,
आपने की हुई, आ जाइए यहाँ आ जाइए। यहाँ आ गया जी, ये लीजिए माइक। और नाम बताएं सबसे पहले, कहाँ से आप ये बताएं? करणपुर से। क्या नाम है आपका? अंजलि सोलंकी। अंजलि सोलंकी, आप करणपुर से। तो आपने क्या कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में? डीएड कर रखी है। अच्छा ठीक है, तो आप सर से क्या पूछना चाहेंगे इसके लिए? वैकेंसी मतलब सब्जेक्ट कैसे है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करें? स्टार्टिंग पहले तो आपने पात्रता कर रखी है? नो सर, अभी मतलब ग्रेजुएशन पूरी हुई है। ग्रेजुएशन की, तो पहले तो आपका टारगेट ये पात्रता का करना है। रीट अपन क्या स्पेशल, वो लोग मैंने तो स्पेशल बाय चांस ही मेरा हो गया, क्यों मेरे साथ ही कर रहा था, बोला अपन रीट कर लेते बीएड, फिर लॉकडाउन आ गया तो मेरा हो गया। बाकी स्पेशल वो ऐसे करते हैं अपन के भाई अपने तैयारी कम है या अपन स्पेशल कर लें शॉर्ट में लग जाएंगे, तो वो बात अब है नहीं। इस बार L1 में रीट मुख्य अपने स्पेशल में कम से कम मेरे साथ जानकार हैं 10 से 12, जो कह रहे थे बस मार तो हो गया, वो तो पहले ऐसे बना सिलेक्शन हो गया हमारा, उनका एक का भी नहीं हुआ L1 में स्पेशल में। तो उसके लिए आपको पहले पात्रता पर तैयारी करनी पड़ी। तैयारी आप वैसे करो कि मैं जनरल फाइट कर रही हूँ, जनरल फाइट के हिसाब से तैयारी करोगे तब स्पेशल में होगा। आप लेके चले स्पेशल कंपटीशन तो है ही नहीं, कितने जने बैठेंगे तो तब तैयारी, तब नहीं होगा है ना। तो जनरल की, मैंने जनरल के हिसाब से तैयारी किया तो मेरे SST में 12वीं रैंक थी राजस्थान में, और घर के पास स्कूल मिल गया। अपन सोचेंगे भाई स्पेशल हिसाब से तैयारी कर देंगे, बाढ़ में बैठा रहता सर के पास आ ही नहीं पाता, यहाँ अभी सुबह चढ़ा यहाँ पहुँच गया सर के पास। तो पहले पात्रता की तैयारी करें, और तैयारी इस हिसाब से करें कि मैं मुख्य अपने जनरल एजुकेशन के हिसाब से तैयारी कर रही हूँ, है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि सबसे पहले हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि मैंने स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर ली तो इस कारण से इसकी मेरिट कम रहेगी, तो ये नहीं, खुद के लिए टारगेट बड़ा रखें कि आपको ये मान के चलें कि आपने समान एजुकेशन से जैसे एग्जाम देना उतनी मेरिट जाएगी, तब की बात है। नहीं तो अगर पहले से टारगेट छोटा ले लिया तो सिलेक्शन की दौड़ से कहीं बाहर नहीं हो जाए। अन्य कोई विद्यार्थी, किसी का कोई जिज्ञासात्मक पर्सन हो तो आप बता सकते हैं। तो सीताराम जी ने जो अपने अनुभव साझा किए कि नियमितता जो चीज़ है, अगर लगे रहेंगे ना लक्ष्य के ऊपर, जो काम करते रहेंगे तो अपने सफलता जो मिलनी ये तय है, और सफ़र लंबा हो सकता है परंतु ये तय है कि उस मार्ग पे सफलता लिए कोई खड़ा है, ये ध्यान रखना। अब दौड़ आप रोक रहे हो या आप थक रहे हो या आप रुक रहे हो, वो आप पर है, पर आपको सफलता वहाँ है ना, वो हो सकती है कि बहुत दूर हो पर उस रास्ते पर है ज़रूर, उस रास्ते पे आपका कंपटीटर कोई नहीं है। हाँ वो दूरी हो सकती है 1 साल की हो, 2 साल की हो, 5 साल की हो, 7 साल की हो, 10 साल की भी हो सकती है। 2 विद्यार्थियों के अक्सर मैं नाम लेता हूँ, ममता यादव लेक्चरर हिस्ट्री से और सुनीता देवी लेक्चरर विषय हिंदी से। ममता जी की बिटिया जो है वो शायद अभी फर्स्ट ईयर में DU में पढ़ रही है, और सुमित्रा जी की बिटिया जो है KV में +2 क्लास में पढ़ रही है। तो आप जान सकते हैं, मान सकते हैं कितना लंबा संघर्ष रहा होगा उनका। तो पुनः एक बार सीताराम जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो। तो अगले